Yesterday I told you the French vision. Okay, na? I have completed the French vision. Today I have to start Russian revolution. Okay, na? Research. अब हमने बताया था आपको revolution क्या होता है. बहुत सारे factors जो होते हैं काम करते हैं. करते नहीं करते हैं. किसी भी revolution को होने में बहुत सारे factor काम करते हैं. एक factor जो है उसके लिए apply नहीं होता है. बहुत सारे जो reasons होते हैं उसके लिए. तो रशियन रिवॉल्यूशन से पहले देखिए, हम सबसे पहले देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं. तो हमें जो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नंबर वन कौन है? जार. ये जो है 30 साल है जार निकोलस सेकंड. निकोलस सेकेंड, ठीक है ना? जान की बोला सेकेंड. सर, दो मिनट कर दो. स्टैलिन, ठीक है ना? क्वीन जरीना, जरीना अलेक्जेंडर, क्वीन जरीना अलेक्जेंडर, ठीक है ना? और रास्पुटिन, रास्पुटिन ये जो आ जाएंगे, ठीक है ना? अब ये जो है ये जो इनकी जो रोमन डायनेस्टी थी 1613 से लेकर 1917 तक, ये एक राज था. जार जो है इसको बोलते हैं, जार बोलते हैं. देखिए आई कैन एक्सप्लेन इट बिकॉज वीडियो इज रनिंग आउट. जार के मीनिंग होते जार जो है वहां पर रशियन लैंग्वेज में बोलते थे किंग. क्या बोलते थे? किंग. जो जार होते उसको किंग बोलते हैं. जरीन का मतलब था क्वीन. क्वीन ये ना जरीन खान, जरीना खान जो है ना इसलिए बोलते हैं क्वीन. जरीना कौन होती थी? क्वीन. जार कौन होते थे? निकोलस सेकंड है. कार्ल मार्क्स एक सोशलिस्ट थे जिन्होंने रशियन लैंग्वेज को अपग्रेड किया है. व्लादिमीर लेनिन कौन थे? ये भी जो है इनके बाद कार्ल जार निकोलस के बाद गद्दी से सवाल लेनिन ने. गुड रिलेशन विद क्वीन, गुड रिलेशन विद क्वीन, ठीक है ना? अभी देखिए ये ट्रस्ट कर रही है इस पे कम करते हैं, प्लस इस पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं फ्रेंड पर, ठीक है ना? उसी वजह से एलवाई ने जो लेती थी सारे के सारे एलवाई किससे लेती थी? इनसे लेती थी. इसलिए ये भी क्या थी वहां पे फ्रेंड्स के साथ आपने देखा वहां की क्वीन भी बैड एडवाइजर थी और ये भी कौन होगी? बैड एडवाइजर. जब फैमिली में तीसरा मेंबर आ जाएगा तो वो बैड एडवाइजर ही होगा क्योंकि वो तीसरा मेंबर होगा वो अपना प्रॉफिट देखेगा. देखता है देखता है. तो इसलिए वो हमेशा उल्टी सलाह देते थे. तो ये 19 देखिए 1613 से पूरा रोमन डायनेस्टी स्टार्ट हुई. इस डायनेस्टी के राज चला पूरा. और इसके बाद देखिए आप आते हैं 1894 के आसपास, ठीक है ना? तो ये जो है जार निकोलस बन गए थे. अब जार निकोलस जो राजा बन गए क्रांति कैसे होती है देखते रहना कैसे होती है. जो रशियन रिवॉल्यूशन है ये इसके मेन कैरेक्टर हो गए. और जो रशिया है इतना बड़ा बात है. रशिया को हम यूरेशियन बोलते हैं. आधा रशिया आता है यूरोप में और आधा आता है एशिया में. ये एशिया में आता है इतना पार्ट और इतना पार्ट कहाँ आता है? यूरोप में आता है. इसलिए रशिया को हम यूरेशियन बोलते हैं. बहुत बड़ा पार्ट है. तो रशिया के अंदर जो है उस टाइम पे
सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका होता था? वीट का होता था। किसका होता था? वीट। और ये जो थे वीट को ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते थे। क्या करते थे? एक्सपोर्ट। किसी किसी एरिया में रूसी कैपिटल जो है यहाँ पे इस जगह पर मिला है, देखिए आप यहाँ पे मॉस्को है। क्या है? मॉस्को। मॉस्को कैपिटल है। तो मॉस्को में सेंट पीटर्सबर्ग में जिसको पेट्रोग्राद कहते थे, सेंट पीटर्सबर्ग जो था वो जर्मनी वर्ड था, जर्मनी से इधर बने थे। तो जर्मनी का वर्ड वो सेंट पीटर्सबर्ग नहीं कहते थे, आज तो सेंट पीटर्सबर्ग भी कहते हैं। देखिए इसका नाम जो था पेट्रोग्राद। क्या नाम था? पेट्रोग्राद था। तो यहाँ पे कुछ जगह पे कहीं ना कहीं मतलब एक सिटी एरिया, क्या बोलेंगे, सिटी एरिया कह लीजिए या अर्बन एरिया कह लीजिए। कौन सा एरिया? अर्बन एरिया। तो इसी एरिया में क्या लगी हुई थी? इंडस्ट्री लगी हुई थी, फैक्ट्री लगी हुई थी। क्या लगी हुई थी? फैक्ट्री लगी हुई थी। रशियन रिवॉल्यूशन शुरू हो गया, ये मेन कैरेक्टर था रशियन रिवॉल्यूशन। यहाँ शुरू हो रहा रशिया बड़ा एम्पायर है, बहुत ज्यादा वीट प्रोडक्शन होता था वहां से और जो है वो एक्सपोर्ट भी करता था। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ जगह पर क्या था? फैक्ट्रियां थी, इंडस्ट्री थी। इंडस्ट्री में क्या हुआ? अब यहाँ पे जो रशियन रिवॉल्यूशन है वो इंडस्ट्री से स्टार्ट हुआ। इंडस्ट्री में क्या हुआ? जो वर्कर्स थे उनकी जो कंडीशन थी बैड कंडीशन, पुअर कंडीशन। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं फैक्ट्री थी और जो फैक्ट्रियां लगी हुई थी वर्किंग आवर्स आर नॉट फिक्स्ड, वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं थे। जिस टाइम मर्जी बुलाओ, सैनिटाइज सिस्टम फिक्स नहीं था, वो घरों से दूर रहते थे, उनको फैक्ट्री में ही शिफ्ट वाइज सोना होता था। भाई एक रूम मिल गया, इस रूम में कितने आदमी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बेड लगे हुए हैं, 6 आदमी रह सकते हैं, 3 जॉब कर रहे हैं, 3 सो रहे हैं। अब वो आए ड्यूटी करके तुम सो जाओ। ये सिस्टम था, सैनिटाइज सिस्टम जो था, सैनिटरी का सिस्टम जो था वो पुअर था। रहने के लिए कंबल वगैरह बिल्कुल पुअर कंडीशन थी। उसमें भी जो स्किल वर्कर्स थे, जो थे स्किल वर्कर जानते हो ना, जो टेक्निकल वर्कर थे, इंजीनियर डिप्लोमा वाला लड़का था, एक नॉन स्किल होते हैं जो मजदूर होते हैं, स्किल वाले होते हैं जिसने डिग्री रखी है। तो उनमें जो था बड़ा डिफरेंस था, स्किल वर्कर अपने आप को सोचते थे हमसे बड़ा कोई नहीं है, वो अपने हमसे बढ़ गए कोई नहीं है, हम अपने हैं। तो वो जो वर्कर्स थे वो इसको थोड़ा सा गिल्टी फील करते थे। क्या करते थे? गिल्टी फील करते थे, ठीक है ना। अब जब गिल्टी फील करने लगे तो ये कंडीशंस यहाँ से एक रिवॉल्यूशन का कारण बनेंगे, क्योंकि वर्किंग आवर्स जो व्यूमेन थी, व्यूमेन भी वर्क करती थी, वर्किंग आवर्स ज़्यादा थे, ठीक है ना। वर्किंग आवर क्या थे? ज़्यादा थे। जब वर्किंग आवर ज़्यादा थी उनके वेजेस कम थी। वेजेस क्या थी? कम। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसने, देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, अमेरिकन हुआ, सबने वहाँ किसी ने व्यूमेन को राइट नहीं दिए, बाद में मिले राइट। इंडिया जिस टाइम इंडिपेंडेंट हुआ था, फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ था, सबको इक्वल राइट दे दिए थे, वीमेन को भी इक्वल राइट था इसका वोट देने का, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन बाद में जो है, बाद में धीरे धीरे, पहले तो यहाँ मेरिज कम थी, लेकिन बाद में आते आते 5 ईयर फिर प्लान में वन वर्क सेम सैलरी। अब लड़कियाँ टीचर बन रही है, पहले क्या होता था जेंट्स को मिलने 50,000, लड़कियों को मिलने 20,000, अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, सबको एक ही उससे है। अगर कोई ऑफिसर है तो ऑफिसर वाली सैलरी मिलेगी, अगर कोई टीचर है तो टीचर वाली सैलरी मिलेगी। नॉट इन प्राइवेट स्कूल, इन द गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं हम। इसकी बात कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर। अगर आप प्राइवेट में टीचर हैं तो आपकी सैलरी उससे है, वही किसी रहेगी रहेगी सेम रहेगी। अब नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना, इन सैलरी, ठीक है ना। तो जिसकी सैलरी वो है वो, तो स्किल वर्कर जो थे ये थे, इसमें जो थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन था, आपस में भेदभाव था, ये उनसे लोगों से बात नहीं करते थे। तो ये लोग क्या हुआ, इकट्ठा हुए, इन्होंने कहा हमारी मांगे को करो। इन्होंने क्या किया, हड़ताल करनी शुरू की। क्या की इन्होंने? हड़ताल करनी शुरू की। जब इन्होंने हड़ताल करनी शुरू की तो फिर क्या आता है, अब यहाँ से ये भी तीन पार्ट में बढ़ा हुआ। कौन? ये जो कैटेगरी थी रस्ते की, ये तीन पार्ट में बढ़ी हुई थी। किस किस में? नंबर वन सबसे पहले किस में थे? लिबरल। नंबर टू रेडिकल्स, और नंबर थ्री कंजर्वेटिव। अब लिबरल क्या कहते हैं? लिबरल तो लिबरल थे। लिबरल ने कहा नहीं, वुमेन्स को राइट पर इलेक्शन में वोट देने राइट, उसके बाद लैंड हो, जिसके पास क्या हो? लैंड हो। जिनका हिसाब अलग था। रेडिकल्स चाहते थे बदलाव तो हो पर वो तेजी से ना हो, एकदम तेजी से हो जाए। क्या हो जाए? तेजी से। और कंजर्वेटिव क्या करते थे?
जो कस्टमर को मानते थे पहले, कहना कि जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे हो, और जो अपने हमारे पुराने कस्टमर्स हैं उसको लेकर के हो। तीनों में फर्क था। एक क्वेश्चन यहाँ से वहां बन जाता है, तीन नंबर में, पांच नंबर में यहाँ से बन जाता है। लिबरल रेडिकल्स तीनों में डिफरेंस आता है ना, यहाँ एक एक लाइन में हो, तीन नंबर का क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है। कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना? यहाँ पे क्लियर हो गया? यहीं पे टोटल होती है। आई आर नोट ओवर।